त्योहारों की रौनक के बाद आज से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर चार माह से शयन कर रहे भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं और इसी के साथ शुभ और मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी हो जाएगा। आज द्योथान एकादशी है। इसे 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने में दो बार एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवठानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवथान एकादशी, देवठानी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस एकादशी को जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवउठान एकादशी पर उपवास रखने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि देवउठान एकादशी पर अगर आप उपवास रखते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठान एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। दरअसल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठानी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं। भगवान विष्णु जब निद्रा में होते हैं तब हिंदू धर्म में होने वाले तमाम तरह के शुभ कार्यों पर चार महीने की रोक लग जाती है। देवउठान एकादशी पर जगत के पालनहार की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है और इस दिन चतुर्मास व्रत समाप्त होता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में श्रीहरि जल में निवास करते हैं। जब देवता जगते हैं, भगवान विष्णु जगते हैं योग निद्रा से, तब कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है, तब शुभ कार्यों की शुरुआत हो पाती है। देवताओं के जगने की वजह से या देवताओं का उत्थान होने की वजह से इसको देवउठान एकादशी कहा जाता है। देवउठानी एकादशी के दिन भक्तों को मनचाहा वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में भी ना मिल सके वो देवउठान एकादशी का व्रत कर प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ इस बार और तमाम जानकारी देने के लिए पंडित विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर देवउठान एकादशी है क्या और उसे मनाते क्यों है। नारायण चार महीने के लिए निश्चित रूप से चिर निद्रा में रहते हैं और उस चिर निद्रा का जागरण इसी दिन होता है, क्योंकि यह कार्तिक मास की जो देव उत्थानी एकादशी है, निश्चित रूप से इसी दिन भगवान नारायण जग जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, बारिश का महीना होता है और चारों ओर पानी का सैलाब होता है, इसलिए चार महीने मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान नारायण चिर निद्रा में सोते तो एक तरह से आवश्यक है, लेकिन उनके सोने का सूक्ष्म मात्र ही होता है, लेकिन जब कार्तिक का महीना आता है तब भगवान नारायण का जागरण किया जाता है और जागरण के साथ साथ शुभ और मंगल कार्य शुरुआत हो जाते हैं, क्योंकि खेती किसानी का कार्य समाप्त हो गया होता है। पंडित जी, आपने हमें इसका महत्व तो बता दिया, अब दर्शकों को यह भी जानकारी दे दीजिए कि देव उत्थान एकादशी पर पूजन कैसे की जाए, कौन से मंत्रों का जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और उठने के बाद आपको क्या कार्य करना है। एक संस्कृत का मंत्र है, उत्तिष्ठ गोविंद निद्राम त्यज्वा जगतपते, अर्थात हे जगतपति, अपनी आप निद्रा को त्याग दीजिए।
पंडित जी देवोत्थान एकादशी पर कहते हैं कि भगवान शिलाग्राम की पूजा की जाती है, क्या है मान्यता और भगवान शिलाग्राम के पूजन का महत्व कितना ज्यादा हो जाता है ये समझाइए। इस दिन सालिक राम भगवान का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है जो विभक्त पंचामृत से देव उत्थानी एकादशी के दिन प्रातः काल पंचामृत से शालिक राम भगवान को स्नान कराता है और उस पंचामृत का पान स्वयं पीता है और अपने परिवार को पिलाता है, तो शास्त्रों में कहा गया है अकाल मृत्यु का भय छूट जाता है। इस दिन प्रातः काल गंगा जल केसर मिश्रित जल से अपने घर की शुद्धि करने से निश्चित रूप से घर के वास्तु देवताओं का जागरण होता है और घर में तमाम प्रकार की खुशहाली अपने आप आने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।